हेलो दोस्तों, मैं बीएल शर्मा और आप सभी का हमारे नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसकी पोजीशन आपको दिवाली पर मिलने वाली है और ये जयपुर की बहुत ही प्राइम लोकेशन विद्याधर नगर के अंदर है, जो आप लोगों की बहुत डिमांड आती है कि सर कोई प्राइम लोकेशन में कोई प्रोजेक्ट आप दिखाएं। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही प्रोजेक्ट लेके आए। सबसे पहले बता दूं मैं आपको, प्रोजेक्ट का नाम ट्रेजर 3 और 4 बेडरूम लग्जरी अपार्टमेंट। जैसा आप सामने देख सकते हैं, ये जो व्यू है वो आपको फ्रंट एलिवेशन में पूरी बिल्डिंग के अंदर आपको मिलने वाला है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिल्डिंग में आपको दोनों तरफ फुल वेंटिलेशन मिलने वाला है। 2 ब्लॉक है यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर, जिसके अंदर टोटल मिला के 24 फ्लैट है। 12 फ्लैट इस बिल्डिंग के अंदर है और 12 फ्लैट इस बिल्डिंग के अंदर है। 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के लग्जरी अपार्टमेंट यहाँ पर रेडी होने वाले हैं, ये देखिए। दोस्तों, बात करें सीकर रोड से यहाँ तक की दूरी की, तो मात्र 500 मीटर की दूरी पर ये प्रोजेक्ट है, विद्याधर नगर में सेक्टर 5 में, और मणिपाल जो हॉस्पिटल है उसके जस्ट बैक साइड की ये लोकेशन है। बिल्डिंग के सामने ये देखिए पार्क भी है, ये देख सकते हैं आप एड्रेस भी सामने। और अभी हम चलते हैं सीधा अंदर और बाकी की डिटेल की बात करते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये JD अप्रूव्ड और RERA अप्रूव्ड है, और इसके अंदर हमें 56 कार की पार्किंग मिल रही है, जबकि फ्लैट यहाँ पे सिर्फ 24 है, बट पार्किंग आपको 56 कार की मिल रही है, तो ये भी यहाँ पे प्लस पॉइंट है। और ये देखिए पार्किंग का जो स्पेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और दोनों बिल्डिंग में 4 लिफ्ट हमें मिल रही है, 2 लिफ्ट इस बिल्डिंग में है और 2 लिफ्ट उस बिल्डिंग में है, ये देखिए। जो स्टेयर्स में ग्रेनाइट का यूज लिया गया है, ये देखिए। दोस्तों, सभी फ्लोर पे 2-2 फ्लैट यहाँ पे हैं, और ये है इस फ्लोर का लॉबी एरिया। और एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो है सभी फ्लोर पे सर्वेंट रूम, ये देखिए ये स्पेस है, और ये यहाँ पे वॉशरूम आ जाता है, ये देखिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज जो फ्लैट हम विजिट करने वाले हैं ये एक सैम्पल फ्लैट है, और ये 4 बेडरूम का फ्लैट है। तो ये जो लॉक आप सामने देख पा रहे हैं, याले का है, जो स्मार्ट लॉक है, जो फिंगर सेंसर के साथ ऑपरेट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अंदर। और जैसे ही हम अंदर आते हैं, तो बहुत ही अच्छे स्पेस का, बहुत ही अच्छे इंटीरियर का हमें यहाँ पे हॉल मिल जाता है। हॉल में बहुत ही अच्छा स्पेस है। इस तरफ हम देखते हैं तो देखिए, सोफ़ा सेट है, सेंटर टेबल है, और सब कुछ यूनिट है, और सभी के सभी चीज़ें इस फ्लैट के अंदर जो यूज ली गई वो सभी के सभी ब्रांडेड है। जैसे हम फ्लोरिंग की बात करते हैं, तो वेल स्पून की यहाँ पे टाइल्स यूज ली गई है, और अगर हम सामने देखते हैं तो ये देखिए जो मिरर है वो भी ब्रांडेड है। दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा मिरर है, बहुत ही अच्छा स्पेस है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इंटीरियर, वो बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और दोस्तों, इस तरफ आप देखते हैं ये LED, और ये LED पैनल, ये देखिए। और इस फ्लैट के अंदर आपको 5 बालकोनी दी गई है, और यहाँ पे हम चलते हैं तो ये है हमारा पहला बेडरूम, बहुत ही सुंदर इंटीरियर के साथ है, ये देखिए आप। और इसकी जो सीलिंग की डिज़ाइन है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अंदर हमें बेड के दोनों तरफ हमें स्टोरेज की फैसिलिटी, फ्रंट साइड में LED पैनल, AC सभी यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, और बेड की बैक साइड में बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इस तरफ आ जाती है हमारी इस बेडरूम की बालकोनी, ये देखिए बहुत ही अच्छा स्पेस है बालकोनी का, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा स्पेस है। और इस तरफ अटैच वॉशरूम आ जाता है, जहाँ पे हमें ये देखिए ड्रेसिंग एरिया दिया गया है, और यहाँ पे फुल लेंथ में हमें वार्डरोब का ऑप्शन दिया गया है। ये हमारा अटैच वॉशरूम है, जो भी बहुत ही अच्छे इंटीरियर के साथ है, ये देख सकते हैं। और सैनिटरी की जो फिटिंग्स है वो सारी की सारी ब्रांडेड है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया। और अभी बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, इस तरफ है कॉमन वॉशरूम, ये देखिए बहुत ही अच्छा इंटीरियर है, इसके अंदर भी स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और अभी हम देखते हैं दूसरे नंबर का बेडरूम, ये देखिए यहाँ पे फुल लेंथ में वार्डरोब का ऑप्शन है, ये ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, और ये बेड है, सीलिंग की डिज़ाइन है बहुत ही अच्छी वाली, और बेड के सामने LED पैनल है, और ये है इस बेडरूम की बालकोनी, ये देखिए बालकोनी का स्पेस। और इस तरफ आ जाता है अटैच वॉशरूम,
बहुत ही अच्छे इंटीरियर के साथ है। और अभी हम देखते हैं तीसरे नंबर का बेडरूम जो जस्ट इसके बराबर में है। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। ये तीसरे नंबर का बेडरूम है, इसके अंदर भी हमें बेड के बैक साइड में एक अच्छी डिजाइन, फॉल सीलिंग की डिजाइन, इस तरफ वार्डरोब का ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए। और बेड के सामने LED पैनल है और ये आ जाता है अटैच वॉशरूम, ये देखिए काफी अच्छा स्पेस है इसके अंदर भी। और ये है बालकोनी दोस्तों, ये देखिए ये बालकोनी बहुत ही स्पेसियस है जो हमें डाइनिंग एरिया से भी अटैच मिलती है। और ये जो रोड है, ये बिल्डिंग के बैक साइड के लिए रोड है और यहाँ पे जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रोज़ गार्डन डेवलप किया जाएगा दोस्तों जल्दी ही। अभी हम बढ़ते हैं आगे फोर्थ नंबर के बेडरूम की तरफ। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ का डाइनिंग एरिया, ये देखिए 6 सीटर डाइनिंग एरिया है। और ये देखिए शानदार सीलिंग की डिजाइन, स्पेस भी बहुत ही अच्छा है, इस तरफ भी काफी अच्छा स्टोरेज दिया गया है, ये देखिए हमें। और ये आ जाता है हमारा बहुत ही अच्छे स्पेस का मॉड्यूलर किचन, जैसा आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा स्पेस है, कितना अच्छा इंटीरियर है यहाँ पे। और ये देखिए ये यहाँ पे है फ्रिज दोस्तों, ये जो किचन है इसके अंदर ये हमारा काउंटर टॉप आ जाता है जो नैनो स्टोन के साथ ये बना हुआ है। यहाँ पे हमें 4 बर्नर के ऑप्शन में हाफ प्ले का चूल्हा मिल जाता है। और ये है जो चिमनी है वो भी हाफ प्ले की है। और ये देख सकते हैं आप इसकी जो सीलिंग की डिजाइन है वो, ये ओवन आ जाता है इधर। और दोनों तरफ हमें काउंटर टॉप मिलते हैं, टॉप और बॉटम दोनों तरफ कैबिनेट की फैसिलिटी भी दी गई है दोस्तों। यहाँ पे है डोर, ये है हमारी बालकोनी, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये पूरी बालकोनी है जो हमारे डाइनिंग एरिया किचन से और बेडरूम से अटैच है। और अभी हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इस प्रॉपर्टी की पूरी जो डिटेल है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी पसंद आए तो आप डायरेक्ट बात करके उस प्रॉपर्टी की विजिट कर सकते हैं। ये हमारा फोर्थ नंबर का बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है, बहुत ही अच्छा स्पेस है इसके अंदर। और जैसा आप देख पा रहे हैं शानदार इंटीरियर के साथ इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर हमें बेड के बेड साइड में बहुत ही अच्छी डिजाइंस, और ये देखिए फॉल सीलिंग की डिजाइन, और इस तरफ हमें स्टोरेज की फैसिलिटी दी गई है बहुत ही अच्छी डिजाइन में बना के। बेड के सामने हमें बड़ा LED पैनल तैयार करके दिया गया है। और इस तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पे डोर है, और जो बालकोनी मैंने अभी आपको विजिट करवाई थी वो यहाँ से भी डायरेक्ट कनेक्ट हो रही है। और ये आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम, ये देख सकते हैं आप, इसका भी बहुत ही अच्छा स्पेस है और बहुत ही अच्छा इंटीरियर है। और इससे पहले हमें यहाँ पे फुल लेंथ में वार्डरोब का ऑप्शन दिया गया है, ड्रेसिंग एरिया दिया गया है, ये देखिए। तो सब कुछ इस फ्लैट के अंदर बहुत ही अच्छा है। ये 4 बेडरूम का लग्जरी अपार्टमेंट है। अगर हम बात करें इस फ्लैट की साइज़ की तो 2863 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट है। और 3 बेडरूम के फ्लैट की साइज़ की हम बात करते हैं तो 2520 स्क्वायर फीट का फ्लैट है 3 बेडरूम का। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस बिल्डिंग में एमिनिटीज़ की, जो आपको रूफ टॉप पर मिलने वाले हैं सभी की सभी, जैसे जिम, मिनी थिएटर, स्विमिंग पूल और पार्टी स्पेस। दोस्तों ऐसी ही बहुत सारी एमिनिटीज आपको यहाँ पे रूफ टॉप पे तैयार करके दी जाएगी। ज़्यादा डिटेल के लिए जो सामने नंबर आ रहे हैं उन पे आप बात कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल के लिए और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये फ्लैट और ये वीडियो जरूर पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपने देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।